back to my channel. So today I have come with another product review video. इस video को product review बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, because it is more than that. मैंने जब इसकी research की इस product को लेके before purchasing it and after purchasing it, so मैं काफ़ी खुश थी about the things जो मैंने find out की, and मैं बहुत excited हूँ सारी बातें आपसे share करने के लिए. When I research about product और जब मैं products खरीदती हूँ तो मैं उसकी depth में जाती हूँ, even मैं उनके इंग्रेडिएंट्स तक रिसर्च करती हूँ कि ये इस इंग्रेडिएंट से क्या होता है. मैं टॉप 3-4 इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ. सो आई डोंट नो इफ यू आर इंटरेस्टेड उनकी ये सारी डिटेल्स जानने के लिए. सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारा मेंशन कर दूँगी कि कब रिव्यू स्टार्ट हो रहा है, कब क्या चीज़ हो रही है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली जंप उस चीज़ पर अगर आपको ये सारी कहानी नहीं सुननी. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द प्रोडक्ट फॉर टुडे इज दिस शैम्पू एंड द कंडीशनर फ्रॉम the same brand name is the Venus, but I like to pronounce it as Divines. It's pretty easy because this is an Italian brand. Bana bhi Italy mein hai, products bhi Italy se aa rahe hain, brand bhi Italy ki hai. Can you imagine aaj ke time mein ek aisi brand find out karna jisme China mention nahi hai? I mean aaj kal to hawaon mein bhi China hai. Okay, let's not get carried away here. इज अ प्रोडक्ट. ये गाइज बना भी इटली में है, जैसा मैंने आपको बताया. इसके रॉ मटेरियल्स भी इटली से आ रहे हैं. इट इज़ रेगुलेटेड अंडर यूरोपियन लॉज. एवरीथिंग अबाउट इट इज इटली, अबाउट इट इज यूरोप एंड हाई एंड एज वेल. जो कहानी की मैं बात कर रही थी जिसने मुझे बहुत एक्साइट कर दिया अबाउट दिस प्रोडक्ट इज ये नई ब्रांड नहीं है. इट इज़ वेरी ओल्ड. समवेयर अराउंड 1980 में इसको फाउंड किया गया था एंड इट रिटेल्स इन 70+ कंट्रीज. कैन यू बिलीव इट? एंड इसको मैंने एक हाई एंड सलॉन से परचेज किया था, विच इज़ लुक्स. मैंने इसे लोकल स्टोर्स में नहीं देखा है. सो मे बी आप जो हाई एंड सलॉन हैं लाइक गीतांजलि, लुक्स, मेडोना, आप उनमें सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा. बट आई बॉट इट फ्रॉम लुक्स इन आड़ी मॉल एंड आई एम ग्लैड. मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया बिकॉज ऑफ मेनी रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं. सो अगर मैं प्रोडक्ट्स में आ रहे इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, सो दे आर मिक्स ऑफ बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है इस चीज़ को लेके. मोस्टली ब्रांड्स में दोनों चीज़ें होती है, बट दे से वी आर ऑर्गेनिक एंड दे जस्ट मैंशन थोड़े से उनके इंग्रीडियंट्स, बट वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होते नहीं हैं. बहुत कम ब्रांड्स हैं जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है. सेकेंड चीज़ जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे उसका रॉ मटेरियल जो है वहाँ के लोकल फार्मर्स से आ रहा है. सो यू आर गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट एज वेल. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ये पैकेजिंग कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये प्राइमरी पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ देयर बॉटल. उसमें प्लास्टिक है एंड वो भी हाई ग्रेड प्लास्टिक है. जो आगे की कार्डबोर्ड कवरिंग्स होती है, पैकेजिंग होती है, इसको इन्होंने अवॉइड कर दिया है. एंड अगर ट्रैवल के लिए इनको यूज़ करना पड़ता है, सो दे ट्राई कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कि रिसाइक्लेबल हो. इवन द एनर्जी दैट गोज इन टू द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर रिन्यूएबल एनर्जी. सो they are doing beyond they can do. Of course they are following basic things. paraben free hai, sulfate free hai, it's vegan and it's cruelty free. matlab जो एक बनी का सिंबल होता है ऑन द प्रोडक्ट्स विच आर क्रुएलिटी फ्री, वो तो नहीं है. बट मैंने इनकी वेबसाइट पे रिसर्च किया है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर लेती हूँ. मैंने दो तीन जगह पे पढ़ा है, दे हैव क्लेम्ड दैट येस दे आर क्रुएलिटी फ्री एंड इवन यूरोपियन लॉ के अकॉर्डिंग आप जो है एनिमल टेस्टिंग नहीं कर सकते. तो मैं कभी भी अपनी वीडियो में ब्रांड के बारे में बात नहीं करती. यहाँ पे मैंने ब्रांड के बारे में बात की बिकॉज उन्होंने मुझे इतना इम्प्रेस किया है. अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट के बेसिक्स और मुझे क्या लगा इसको यूज़ करके, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, दिस इज़ द शैम्पू एंड इट इज़ देयर एनर्जाइजिंग शैम्पू रेंज. एंड अब मैं इसके बारे में बताती हूँ. जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, सो जो फील मुझे आया था वो था जैसे आप मेंटोस खाते हो तो आपके माउथ में कैसे डिफरेंट फील होती है. सो यू फील अ रश ऑफ
कोल्ड एकदम ठंडक महसूस होती है, वैसे मुझे स्कैल्प पे फील हुआ था इसको यूज़ करने के बाद. आई डिडंट नो कि क्या हो रहा है एंड आई यूज्ड इट. सो दो तीन बार की यूज़ में ही मुझे अपने बालों में जो है वो वॉल्यूम दिखने लगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिखना ही नहीं, मुझे फील होने लगी. इनफैक्ट एक दिन लेजर टाइम में आई वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग एंड आई फेल्ट लाइक कि यार बाल काफ़ी घने हो रहे हैं और मैं अभी तो कुछ कर भी नहीं रही बालों के लिए. सो क्रेडिट गोज टू दिस शैम्पू. एंड मैंने सेम चीज़ अपनी सिस्टर से पूछा क्या वो भी ये चीज़ फील कर रही है. उन्होंने बोला यस, ये जो है बालों को वॉल्यूम दे रहा है. सो आप सबको पता है कि मैंने बालों की स्ट्रेटनिंग कराई है, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, मैं उसका लिंक दे दूँगी यहाँ पर. सो जब मैंने स्ट्रेटनिंग कराई थी, सो क्या होता है बाल थोड़े से आपके पतले होने भी लगते हैं और थोड़ा दिखते भी हैं कि थिनिंग हो रही है बालों की. सो जब मेरे बाल में वॉल्यूम आने लगे, मेरे बालों में वॉल्यूम कभी भी नहीं थी. हेयर फॉल का सिचुएशन नहीं था बट वॉल्यूम कभी भी नहीं थी. ओके, सो ये जो मेरे पास पैक है, ये 250 ml का पैक है, जिस जो कि रिटेल करता है समवेयर अराउंड 1600 to 1700. आई नो थोड़ा प्राइजी साइड पे है बट लेट मी एक्सप्लेन कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है. आपको बहुत कम क्वांटिटी में इसे यूज़ करना होता है तो ये काफ़ी टाइम चल जाता है. मेरी सिस्टर और मैं दोनों इसे यूज़ कर रहे हैं और अभी हमारा ये हाफ ख़त्म हुआ है. हमें 3-4 महीने के अराउंड हो गया ऐसे यूज़ करते हुए. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट. सो ये वैसे आपको लगेगा कि आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि ये प्राइसी है बट इट इज़ नॉट दैट प्राइसी. सेकेंड ऑफ ऑल इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, अगर आप स्पा वगैरह में बिलीव करते हो. आई डोंट थिंक सो विद दिस आपको स्पा वगैरह लेने की ज़रूरत है. मैंने इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश की कि प्रोडक्ट मिले और मुझे मिला Amazon India पे, बट इट ब्लू माई माइंड. इट सिंपली ब्लू माई माइंड बिकॉज अगर मैंने ये 1700 का लिया है हाई एंड सलोन से, सो यू वॉन्ट बिलीव Amazon पे 6,000-7,000 रुपये का ये मिल रहा है. लाइक आई वॉज सरप्राइज कि मैं आपको सजेस्ट भी नहीं कर सकती कि आप वहाँ से खरीदो इसे. इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी. लुक्स अलॉ हर जगह है, यू कैन टॉक टू देम, मे बी वो आपको कुरियर कर दें. या मुझे अभी लुक्स के बारे में पता है कि वहाँ पे अवेलेबल है. आई डोंट नो अबाउट अदर सलॉन्स बट दिस इज़ क्रेजी गाइस. कहाँ 1700 रुपये, कहाँ 6,000-7,000 रुपये. लाइक ह्यूज डिफरेंस. लाइक लॉकडाउन ख़त्म होते ही मुझे ये ख़रीदना है बट मैं ऑनलाइन तो इसे बिल्कुल भी नहीं खरीद रही हूँ. इसकी क्वालिटी हाई एंड है, नथिंग लेस देन हाई एंड. इसके रिजल्ट भी हाई एंड है. आई मीन इट्स वर्थ एवरी पेनी. एक एक पैसा वसूल हो गया मुझे ऐसा लग रहा है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद. मैंने इतनी प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोज़ बनाई हैं, अगर मैं उन सबको कंपेयर करके टॉप में किसी प्रोडक्ट को रखूँगी तो मैं वीनस के प्रोडक्ट्स को सबसे टॉप पर रखूँगी. नथिंग बीट्स इट. जो रिज़ल्ट मुझे मिला है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. मैं अभी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, मैं अभी इसी को कंटिन्यू करूँगी. गाइस मूव ऑन करते हैं हम सेकंड प्रोडक्ट की तरफ एंड इट इज़ देयर लव कंडीशनर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द नेम ऑफ दिस कंडीशनर, लव. सिंपल है, बहुत प्यारा नाम है, बेसिक नेम है. सो मुझे काफ़ी पसंद आया ये नेम. सेकंड, इसको देखकर लगता होगा यार टब में जो है क्वांटिटी कम है, बट नहीं, क्योंकि बहुत 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 कम क्वांटिटी यूज़ होती है. बहुत इजीली ग्लाइड करता है आपके हेयर पे. 6 महीने बहुत आराम से चलेगा. अगर आपकी लेंथ मेरे जितने हैं, बाल मेरे छोटे हैं, आई ऑलवेज कीप माई मेरे बाल छोटे हैं, आई ऑलवेज कीप इट एट दिस लेंथ. यस, जो शैम्पू की डेट है एक्सपायरी, इट्स 12 month. एंड जो कंडीशनर की एक्सपायरी डेट है वो है 4 साल तक आप इस कंडीशनर को यूज़ कर सकते हो. वाओ, आई एम सरप्राइज्ड. कितनी अच्छी बात है कि इसके बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए है नहीं. इट डज परफेक्ट कंडीशनिंग एंड ये दोनों प्रोडक्ट आपस में बहुत अच्छा काम करते हैं. स्मूथ छोड़ते हैं बालों को, बहुत लाइट फील करते हैं बाल, स्पा वाली फीलिंग आती है बिल्कुल. सो दिस इज़ परफेक्ट. एंड सेकेंड चीज़ जो है मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने बालों में ट्रीटमेंट करा रखा है, स्मूदनिंग, कैरेटिन, स्ट्रेटनिंग,
उन सब के लिए ये बिल्कुल सही है, बट इन प्रोडक्ट्स में सॉल्ट है, सो आप इसे अच्छे से पानी के साथ मिक्स करके ही इन्हें यूज़ कीजिए अगर आपके बाल ट्रीटेड हैं तो। मैं यूजुअल नॉर्मल केसेस में भी यही बोलती हूँ कि पानी के साथ डाइल्यूट करके ही शैम्पू को यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे स्कैल्प पे जमा रह जाता है। ब्रांड मुझे ऐसा लगता है अभी तो इतना पॉपुलर नहीं है लोगों में, बट विद इन अ ईयर इट विल सेट इट्स रूट इन इंडिया। ये 70+ कंट्रीज में रिटेल होता है एंड आई सजेस्ट कि आप इसे एक बार यूज़ कर लो इससे पहले इसके प्राइसेस बढ़े, विच आई बिलीव नियर फ्यूचर में बढ़ सकते हैं विद इन अ ईयर और टू, बिकॉज इसे हाईली प्रमोट किया जा रहा है एंड इट्स वर्थ द हाइप। एवरी वर्ड इज वर्थ इट। जो भी मैंने पे किया है इस प्रोडक्ट में, आई कंसिडर इट एज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई डिड फॉर माई हेयर फॉर माई ग्रूम। कांट लिटरली कांट प्रेज दिस प्रोडक्ट इनफ। ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है अगर आपके बालों को थिकनेस चाहिए। इसमें लिखा है हेयर फॉल के लिए अच्छा है, बट मेरे को हेयर फॉल होता नहीं है, सो आई डोंट, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ। बट अगर आपको बालों में थिकनेस चाहिए, स्पा जैसा फील चाहिए, आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बिना सोचे समझे इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट यू, आप इस ब्रांड की जो है वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। दे हैव एम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स, सिर्फ ये शैम्पू नहीं है, दे हैव ह्यूज वेराइटी ऑफ शैम्पूज फॉर डिफरेंट इशूज, सो आप उसे विजिट कर सकते हो। मैं हर चीज़ का लिंक जो है वो नीचे दूंगी जिसके बारे में भी मैं बात कर रही हूँ। एंड गाइज, सो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक एक सपोर्ट, एक एक मिनट का भी अगर मुझे आप सपोर्ट मिल रहा है तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। उससे ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है मेरे लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी द वे यू आर सपोर्टिंग एंड pressing that subscribe button down below. And as you know, मैं हर Wednesday and Saturday अपनी videos डालती हूँ। So guys, मिलते हैं जल्दी।